तो जैसे कि दोस्तों रेनॉल्ट्स कैप्चर का कॉन्सेप्ट वेरिएंट होने जा रहा है भारत में लॉन्च, तो जानते हैं कीमत और फीचर्स के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों रेनो कैप्चर कॉन्सेप्ट लॉन्चिंग का भारत में लंबे समय से इंतजार हो रहा था। कंपनी इस कार को भारतीय बाजार में अब जुलाई के महीने में हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। पहले ऐसी खबरें थी कि रेनो इंडिया भारत में इस साल दिवाली पर कैप्चर कॉन्सेप्ट को हम सभी के लिए लॉन्च करेगी, बट दोस्तों दिवाली काफ़ी लंबा समय हो जाता इस कारण को देखते हुए हालांकि इसकी लॉन्चिंग दिवाली वाली को कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों ये क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट दुनिया के 75 देशों में पहले से ही बेचा जा रहा है, हालांकि भारत में इसे पहली बार लाया जा रहा है। इस कार के जरिए फ्रांस की ऑटोमोबाइल रेनो को भारत में 10 से 20 लाख सेगमेंट से पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर दोस्तों बात करें इंजन की तो रेनो कैप्चर कॉन्सेप्ट में आपको दो वेरिएंट इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होगा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, दूसरा होगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन। पेट्रोल इंजन दोस्तों आपको 105 bhp की पावर और 142 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। इंजन को दोस्तों 5 स्पीड मैनुअली व CVT दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ जोड़ा गया है। वही डीजल इंजन की बात करें तो दोस्तों वो आपको 108 bhp की पावर जनरेट करके देता है, जिसमें आप सभी को 6 स्पीड गियर बॉक्स का विकल्प देखने को मिलता है। बताना चाहूँगा दोस्तों रेनॉल्ट्स कैप्चर कॉन्सेप्ट का कैबिन काफ़ी हद तक एक स्पोर्ट्स कार जैसा डिज़ाइन किया गया है, जिसके डोर दोस्तों ऊपर की साइड खुलते हैं। इसमें आपको फुल LED हेडलैम्प्स, कंट्रास्ट रूफ और डुअल टोन इंटीरियर और 7.0 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मौजूद करवाए गए हैं। कार में आपको क्रोम ग्रिल और प्रोजेक्टर लैंप के साथ हेडलैम्प्स और चौड़े बम्पर और 17 इंच के एलॉय व्हील शामिल करवाए गए हैं। अगर कीमत की बात करें तो दोस्तों भारतीय बाजार में रेनॉल्ट्स कैप्चर कॉन्सेप्ट की कीमत कैप्चर से काफ़ी कम रखी गई है। बताना चाहूँगा दोस्तों इसकी स्टार्टिंग कीमत मात्र 4.40 लाख रुपीज से होगी और इसका टॉप वेरिएंट यानी डीजल वेरिएंट इसका करीबन 5.60 लाख रुपीज तक जाने वाला है। और सबसे खास बात दोस्तों इस कार को ये बनाती कि इसका लुक एकदम स्पोर्टी कार की तरह रखा गया है, यानी ये परफॉर्मेंस में भी काफ़ी दमदार है, दिखने में भी स्पोर्टी लुक है और इसके दरवाजे दोस्तों ऊपर की साइड स्लाइड होके खुलते हैं जैसे कि हर स्पोर्ट्स कार के खुलते हैं। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक भारतीय बाजार में नई होने वाली है अगर ये कार समय से लॉन्च हो जाती है। तो मेरी माने तो दोस्तों अगर आप एक स्पोर्ट कार के दीवाने हैं तो आपको इस सस्ती कार की तरफ जरूर जाना होगा। बाकी दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।